देखिए, यहाँ पे जो हमने जॉब फेयर लगाया है, जो हम कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिल पाए। अभी आपने देखा होगा कि अभी हम जो सरस वाले उससे आए हैं, जहाँ पे इंस्टॉल लगाया हुआ है सब लोगों ने, जो हमारे यहाँ की जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसमें ही इतनी पोटेंशियल है कि वो पूरे विश्व में जानी जाती है। उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपने देखा है कि यहाँ पे लोगों के लिए हमने जितनी भी स्कीम्स है वो भी लगाई है। प्लस ये एक ऑप्शन देने का काम है यूथ को, कि यूथ को हम बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन दे पाए। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि लोग जो है मतलब उनके पास जॉब ही नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग ऑप्शन टू द यूथ, कि भाई आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है तो ये वाली आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, आपको खुद आगे बढ़ना है, आपको खुद जॉब प्रोवाइडर बनना है जो हम हमेशा कहते हैं, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अगर आपको नौकरी करनी है, आप इंटरप्रेन्योरशिप वाला, आपको नहीं लगता कि अभी आप उस लायक हो गए हो, तो यहाँ पे आपने देखा है 114 कंपनियाँ जो है यहाँ पे आई हुई है और लगभग 2500 जॉब्स के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो और इसमें आगे तरक्की करें और नेशन बिल्डिंग में और ज़्यादा इसमें कामयाब हो सके और अपना योगदान दे सके, उसके लिए इस जॉब मेगा जॉब फेयर का जो है आयोजित किया गया है। 10,000 से ज़्यादा जो यूथ है उन्होंने ऑनलाइन अभी जो है अप्लाई किया है, जिसमें इन्होंने इच्छा जताई है कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट है, आगे भी चलेगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें और हम किस तरह से और अच्छा कर सकें, ताकि आप लोग भी इसको ज़रूर देखिएगा, घूमिएगा, जहाँ आपको लगता है और इसको बेहतर कर सकते हैं उसका सुझाव दीजिएगा, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को सुविधाएं दे पाए। सर, डिप्लोमा होल्डर जो पॉलिटेक्निक से निकलते हैं 3 साल का डिप्लोमा करके, उनको EDI से कोई राहत नहीं मिलती है, ना तो वो उनको कोई लोन प्रोवाइड करते हैं, ना तो उनको कोई काम दिया जाता है वहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी भी स्कीम की जो होती है उसकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको देख लेते हैं। अगर इस तरह से है कि वो एलिजिबल है और नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो भी एलिजिबल होगा उसको दिया जाएगा। एक सवाल है, हमारे यहाँ जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ भी है, एजुकेशन सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन पहले ये परेशानियाँ रही है कि अगर किसी ने कोई बड़ा स्कूल खोला है, ही इज़ अर्निंग अ लॉट, मगर टीचर को वो 10,000 रुपये सैलरी देता है, PhD है, 2 डिग्रियाँ हैं, क्या उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमेशा जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डिमांड सप्लाई पे काम करता है और फिर एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है सरकार उसको इंश्योर करती है, तो ये तो एक डिमांड सप्लाई का उसमें गेम होता है। हम यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स मीट जो कल की थी उसको भी अगर आप इससे जोड़ के देखें, तो हम चाहते हैं और से और ज़्यादा जब ऑप्शंस मिलेंगे हमारे टीचर्स को, तो फिर वो 10,000 क्यों लेगा? उसे जहाँ अच्छा ऑप्शन मिलेगा वहाँ जाएगा वो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सारी सिनर्जी में काम करती है, और इसी में, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर देखें और इसमें और मैं क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में हमें जरूर सुझाव दीजिएगा। मेरे दो सवाल हैं सर आपसे। जब माह रमजान आने वाला है, पिछले साल हमने देखा शहरी और इफ्तारी के टाइम बिजली नहीं होती थी, इस साल वैसी प्रॉब्लम मत होगी? बिल्कुल नहीं होगी जनाब। आपने देखा है कि KPDCL और ये सारे जो है बिल्कुल उन्होंने अपने कमर कसी हुए, जितना बेहतर हम बिजली दे सकते हैं उतना बेहतर ही हम देंगे उनको। सर, आज भी तकरीबन 1 घंटे का जाम देख के आए होंगे। देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब पिछली बार तुलिप गार्डन खुला था उस समय आपने कितने देर का जाम सहन किया था, मुझे ये बताओ, और आज कितने देर का किया है? देखिए, तुलिप गार्डन अभी खुला है, फिर आगे रोजे जो है स्टार्ट होने वाला है, होली रमज़ान जब स्टार्ट होगा, तो अभी मेरे पास स्पेशली आज का दिन और 2-3 दिन जो है इसमें परेशानियां होगी। प्लस हमारा G20 की वजह से जो हमारे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी परेशानियाँ हो सकती है। अब आप ये देखिएगा, पूरे शहर में हम क्या बनाने वाले हैं उसके भी हमने होर्डिंग लगाए हैं, उनको भी देखिए कि ये कैसा दिखने वाला है, और बस 1 महीने की और बात है, उसके बाद आपको बहुत अच्छी सुझाव आपका था सर, ऑनलाइन अगर टिकट्स हो जाती, पूरी की पूरी ऑनलाइन हो जाती, सब प्लान कर पाते अपनी जर्नी, वो नहीं कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर वाले। देखिए, ऑनलाइन उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे आप हर चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो ना, तुरंत वो सक्सेसफुल नहीं होती है, नेचुरल चीज़ है। अब टूरिस्ट वहाँ पे आ जाएगा गाड़ी लेके, मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि भाई पहले जा ऑनलाइन करके आ और फिर वापस लेके आ, इसलिए हमने इस बार तुलिप गार्डन को 7 बजे से ही खोलने का जो है हमने डिसीजन लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको स्प्रेड आउट हो सके, और अभी 1 वे भी ट्रैफिक इसीलिए कहा किया गया है उसको,
कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई क्यों कर दिया, या उनको ज़रूर तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा होगा, बट वो ओवरऑल ध्यान में रख के किया गया।